कैसी पहेली है ये कैसी पहेली जिंदगानी थामा हरो का इसको किसने आइए तो बहता पानी कैसी पहेली है ये कैसी यार राकेश पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया क्या हुआ हुआ क्या सुबह से टिप नहीं मिला अब ऐसे पगार के भरोसे जिंदगी थोड़े कटेगी वो तो है यार बेटा लगता है तुझे माल मिल गया है कहाँ यार अभी तक कुछ नहीं मिला वेटर सर आया मीनाक्षी जरा उस लड़की को तो देखो कितनी घबराई हुई लग रही है चुपचाप अकेली बैठी है लगता है कहीं से भाग के आई है अब तुमसे घूरना बंद करो और अपना खाना खाओ यहाँ और भी तो लोग हैं जो अकेले खाना खा रहे हैं उन्हें भी तो देखो शक पता नहीं है औरतों की शक की बीमारी कब जाएगी जब मर्द बाहर मुंह मारना बंद कर दे कैसी पहेली है ये कैसी पहेली जिंदगानी इतनी देर हो गई अब तक आया क्यों नहीं मेरे साथ चलो जल्दी तुम्हारी जान खतरे में है चलो जल्दी करो मैम एनी प्रॉब्लम क्या ये आदमी आपको परेशान कर रहा है नहीं सब ठीक है उतरो उतरो लिसन, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे एक सेफ जगह लेके जाओगे मुझे बचाओगे तुम ये कहाँ लेकर आ गए हो मुझे तो लग रहा है तुम पर विश्वास करना ही बहुत बड़ी गलती थी देखो मेरा नाम चोंच गागी है और मैं मासूम लोगों को दुख नहीं देता मेरी बात ध्यान से सुनना और यहाँ से हिलना मत तुम्हें यहाँ से सेफ जगह पर ले जाने के लिए कोई आ रहा है और हाँ मुझे यहाँ से फौरन निकलना होगा और अगर किसी को शक हो गया तो मैं भी नहीं बच पाऊंगा हेलो मैं यहाँ अकेले खड़े होकर वेट नहीं करने वाली इतनी रात को इतनी सुनसान जगह इस घर के अंदर चली जाती हूँ जो तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आ रहा है अगर तुमसे यहाँ नहीं मिली तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी तुम घबरा क्यों रही हो देखो वो बस आते होगा ठीक है मुझे भी निकलना होगा अभी और अब यहाँ से हिलना मत लिसन हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसे यहीं कहीं होना चाहिए था पर या तो कोई भी नहीं है तू उधर जा और अच्छे से देखना कल जिन दो शिकारियों को हमने घायल किया था वो यहीं आसपास कहीं होने चाहिए शिकारी की एक शर्ट मेरे पास है शेरू इसे सुनो तो लगता है इसने शिकारी की गंध कहीं ना कहीं पकड़ ली है ऐसा ही लगता है शेरू वेट 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 वेट
को पकड़ने का फंदा। शेर के इंतजार में थे ये। करने वाला था ना वो, अब खुद हॉस्पिटल में मर रहा है वो सर। लेकिन मैं भी ब्रेस थी, मैंने पीछा करा, छोड़ा नहीं उसका। अब डॉक्टर पला जी कहिए। देखिए हम सीआईडी से, हम इंग्लिश से मिलना है, क्या होश में है? देखिए सर, 5 मिनट से भी कम समय है उसके पास। मी गोइंग। चलो ठंडी हवा खिला के लाते हैं। नीलेश, नीलेश देखो हम लोग सीआईडी से हैं, तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या क्या जानना चाहते हैं? निलेश, आज से 6 साल पहले तुमने महालक्ष्मी नगर के एक बिल्डिंग में बॉम्ब लगाया था और ऐसा करते हुए वहां के एक मजदूर औरत ने तुम्हें देखा था। हम ये जानना चाहते हैं कि वो बॉम्ब किसने लगवाया था, क्या मकसद था उसका बॉम्ब लगवाने में? बॉम्ब नहीं है। बॉम्ब नहीं तो फिर बॉम्ब्स है। बॉम्ब? वो अकेला नहीं है, 12 बॉम्ब्स। मुंबई शहर में अलग अलग बिल्डिंगों में सब फटेंगे। कहाँ कहाँ लगवाई है वो बॉम्ब? कौन सी बिल्डिंग में बताओ, बताओ नीलेश। मुझे नहीं पता, सब फटेंगे, एक ही ट्रिगर है सबका। और वो ट्रिगर कहाँ है, किसके पास है? इस डोंगरा की बीवी डॉली के। क्या अर्पिस ढोंगारा की बीवी का नाम डॉली है? निलेश तुम ये बताओ कि ये कटोरी जानता है इस सब के बारे में? रुक 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 डॉक्टर। निलेश सॉरी सर, ही इज डेड। 12 बॉम्ब से सर तबाही मच सकती है शहर में। वही तो, किसी भी हालत में हमें वो डॉली और कटोरी दोनों के दोनों चाहिए, किसी भी हालत में। इसका प्रिंट आउट निकालो और प्रोजेक्टर बंद करो। चल बे, पकड़ ले पॉसी से, भागने की फ्राक पर चोच के आ गई। कुछ फायदा नहीं होगा, मैं कुछ बोलने वाला नहीं। अच्छा चोंच तो तुझे खोलनी पड़ेगी चोंच का भी। अरपीस के लिए काम करता था ना तू, कहाँ उसकी बीवी? तुझे उसकी बीवी से क्या लेते ना? सवाल नहीं, सिर्फ जवाब चाहिए। मैं तो जितनी भी गोली है ना इस बंदूक में, सारी की सारी ताक दूंगा तेरे सीने में। कहाँ है डॉली? इसके पास कोई सामान या आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है। सीधा माथे में गोली मारी है सर, बॉडी पे कोई और चोट या जख्म के निशान तो नहीं दिख रहे। सर कपड़े और जेवर देख के तो लग रहा है कि कोई बड़े घर की लड़की है। हत्या लूट के इरादे से तो नहीं हुआ सर,
गहने वैसे के वैसे ही है, हाथ नहीं डाला। मगर सर ये यहाँ क्या करे और ये है कौन? पंकज, ये बेचारी बच्ची अपने आप यहाँ जंगल में चल के नहीं आई है। इतनी अंदर जगह है ये जंगल के, इसे जरूर यहाँ लाया होगा जबरदस्ती और फिर यहाँ गोली मार दी इसे। सर, इसके कपड़ों पे खाने का दाग है। इसका मतलब है या तो ये घर में खाना बना रही होगी या फिर किसी ऐसी जगह पे होगी जहाँ पे खाना परोसा जा रहा था। दया, शेरू बार बार उस तरफ मुंह करके भौंक क्यों रहा है? चलो देखते हैं। जयवंती, काम करो, इस लड़की का फोटो खींचो और वो फोटो सारे पुलिस स्टेशन टेलीविजन सेंटर्स में भेज दो, कोई ना कोई तो जरूर इसे पहचानेगा। कुत्ता कभी बेवजह भौंकेगा नहीं था। सर, कुछ तो जरूर है। सर, ये लेदर का टुकड़ा मिला है, इस पे खून भी लगा है। खून तो सूखा हुआ है। इस लड़के ने लेदर जैकेट तो नहीं पहनी थी। खून ही का हो सकता सर? बिल्कुल हो सकता है। ये क्या है? My God, कंकाल बुरी तरह से झुलस गया सर। वो भी इतने सारे कंकाल? सर, हाँ सर, ये केरोसिन और ये कपड़ा वहां मिला सर। ये कपड़े में केरोसिन की पास आ रही है सर। ओ, कोई लोगों को बेरे में से मारकर यहाँ पे जला रहा था तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इस लड़की को मारकर यहाँ पे जलाने के इरादे से लाया पर किसी कारण वो अपने काम को अंजाम नहीं दे पाया, उसे यहाँ से भागना पड़ा? वैसे ही हुआ होगा दया, वैसे ही हुआ है। एक काम करते, सारे के सारे कंकाल फोरेंसिक लैब में भेजते हैं, फेशियल रिकंस्ट्रक्शन करके पता चल जाएगा ये लोग है कौन। जिस आदमी ने उस लड़की को मारा है शायद उसी ने उन पांचों को भी मारा है। और क्या, उसी ने मारा है। वो लोगों को वहां पर लेके जाता है और वहीं पे मारता है। सर, पता नहीं बेचारे हैं कौन। एक बात तो साफ है सर, ये लड़की खूनी को जानती थी। बिल्कुल जानती। अगर वो जानती ना होती तो उसके साथ वहां जाती क्यों? हाँ सर, रास्ते में हो अल्लाह तो मचाते। फिर यस, कटोरी डमटा निकल पड़ा। कब कटोरी निकल पड़ा? अभिजीत, कटोरी को लग रहा था कि हम सारे लंगूर हैं और सारी होशियारी उसी के पास है। जाओ देखो। निकल पड़ा है सर, बहुत तेजी से जा रहा है, शायद किसी गाड़ी में है। मगर सर, जो ट्रैकर हमने लगाया था वो ट्रैकर तो उसने हमारे मुंह पे फेंक दिया था। ये तो कलौंजी जैसा है। कलौंजी जैसा सिर्फ दिखता है लेकिन है ये एक मिनी ट्रैकर। कटोरी कटोरी का चटोरी बना दिया। सचिन, ध्यान रखना, देखो ये कटोरी कहाँ जा रहा है। सर, कटोरी लगता है सर बड़ी खुशी हो रही है आपको कि हमने कटोरी को ट्रैक कर लिया। हाँ, तो अब तुम्हें मालूम है वो कहाँ पे है। हाँ, तो फिर पकड़ क्यों नहीं रहे उसे? मेरा एक प्लान है। हाँ, प्लान प्लान। सचिन, नजरें गड़ाए रखना, बस देखना, ट्रैक करते रहना। प्लान मुझे मालूम है, कैसा प्लान है तुम्हारा। तुम्हें डर है कि कहीं अगर कटोरी को पकड़ लिया और हाथ से निकल के भाग गया तो नाक कट जाएगी, तो इससे अच्छा है कि उसे पकड़ो ही मत, है ना? जो पकड़ो ही मत। ना रहेगा बस, अब बजेगी बांसुरी।
प्रद्युमन, जब यहाँ पे कटोरी अचानक जमीन में से पैदा हुआ तो तुम कहाँ थे? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड निकल लिया ऐसी बिना बताए? हम यहाँ बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं। अर्जेंसी थी सर। अर्जेंसी? अर्जेंसी। अर्जेंसी कैसी अर्जेंसी? हर्पिस? हाँ हर्पिस। ये मगर हर्पिस को तो तुमने मार दिया था यार। हाँ सर, गोली मारी थी। तुम लोगों को अपनी गोली पे ही भरोसा नहीं रहा है। तुम लोगों ने गोली का मजाक उड़ा के रखा है। ये पिस्टल की गोली है या आत्मा की गोली है? हाँ? आपको जो चाहे समझना है समझ लो, मगर हमें खबर मिली थी कि अर्पिस जिंदा है। तुम वहाँ पे अर्पिस को ढूंढ रहे थे, अर्पिस की वाइफ यहाँ आ गई है। अरे मुझे कैसे पता चलता कि अर्पिस की वाइफ भी है? अरे तुम लोग ना, तुम लोग समझते नहीं हो। देखो, नंबर एक अर्पिस, अर्पिस एक टेररिस्ट है, समझे? अब हर्पिस की वाइफ, हर्पिस की वाइफ भी शायद एक टेररिस्ट ही होगी। ये तो वो यहाँ आई क्यों है? उसका मतलब क्या है इंडिया में आने का? हाँ, वो एक बड़ा सा ट्रिगर लेके घूम रही है हाथ पे, बड़ा सा ट्रिगर। ट्रिगर का बटन दबाएगी तो एक साथ 12 जगह ब्लास्ट होगा, 12 बड़े बड़े बम फूटेंगे। शहर में कभी भी 12 बम फट सकते हैं, कुछ नहीं तो 1000-2000 लोग मारे जाएंगे, 1000-2000 लोग। सर एक जगह पे आके ट्रैकर रुक गया सर। ये देखिए सर, झालापुरी रोड पे। कटोरी को अपनी आंखों में फंसा के रखो, उसको नजरों के सामने से जाने मत दो। वो जरूर जाके हर्पिस की वाइफ से मिलेगा। अगर इस शहर को बर्बाद होने से बचाना है तो कटोरी का पीछा करते रहो। यही तो मेरा प्लान था। मैम प्लीज शांत हो जाइए। शांत हो जाए? कैसे शांत हो जाए? इतना सब कुछ हो गया और हम शांत हो जाए? तिलोत्तमा जी, वो लड़की आयशा जिसके बारे में आपने फोन किया था, वो आपकी भतीजी है? जी, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा, आयशा एयरपोर्ट से घर आने के बजाय जंगल कैसे पहुंच गई? सर जब से मैम ने आयशा की फोटो देखी है, रो रो कर बुरा हाल हो गया है। अगर तिलोत्तमा जी जरा ये बताइए, आयशा कहां से आ रही थी? वो यूएस में रहती थी, वहीं से आ रही थी। अगले महीने में उसकी शादी थी और हम उसकी शादी में उसे हमारी खानदानी विरासत देना चाहते थे। एक मिनट, ये लीजिए, इसमें हमारे पुश्तैनी जवाहरात है। तिलोत्तमा जी, हम आपकी रियासत डुगर चोला भी गए थे, वहाँ हमें पता चला कि पिछले 5-6 सालों में आपके राज परिवार से करीब 5 लोग गायब हैं। सर, हमारे खानदान में कुछ साल पहले बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था, इसका फायदा एक खानदानी दुश्मन ने उठा लिया, एक एक करके हमारे पूरे खानदान को खत्म कर दिया। इसीलिए 17 साल की उम्र में ही मुझे यूके भेज दिया गया था और फिर हमारे खानदान के बाकी के बच्चों के साथ भी यही किया गया। सर जंगल में से हमें जो कंकाल मिले थे, हो सकता है इनके परिवार के लोगों के? हो सकता है। वैसे तिलोत्तमा जी, है कौन ये आपका खानदानी दुश्मन? क्या आप जानती हैं उसे? जी नहीं। कमाल है, आपका खानदानी दुश्मन जो इतना सब कुछ कर रहा है उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता? हमारे खानदान में किसी को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हमें बहुत डर लग रहा है। पहले तो हमारी प्रॉपर्टी में लाश मिली और अब आयशा। एक बार ये प्रॉपर्टी बेचने का काम खत्म हो जाए फिर हम यहाँ लौट कर कभी नहीं आएंगे। नहीं नहीं, आप घबराइए मत तिलोत्तमा जी, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन एक बात कहूँ, आप यहाँ से बाहर ना निकले तो बेहतर होगा।
जब तक कि ये खूनी पकड़ा नहीं जाता। इनमें से किसी की मौत गोली लगने से, किसी की नुकीली चीज से और किसी की मौत सर पे वार होने से हुई है। तो सारे सबूत तो आग में खराब हो चुके हैं, लेकिन एक बात पता चली है। वो क्या? ये दो कंकाल जो हमें मिले थे, इनकी सारी हड्डियां अलग अलग थी, और दूसरी तरफ ये तीनों कंकालों की हड्डियां बिल्कुल जुड़ी हुई थी। ये बात तो हमें पता है कि मरने के बाद कुछ समय तक इंसान की हड्डियां जुड़ी रहती है और कुछ समय बाद वो अलग अलग होने लगती है। इसका एक ही मतलब है अभिजीत, इन सारे लोगों की मौत एक साथ नहीं हुई है। हाँ सर, और सर इन सभी के डीएनए रिपोर्ट्स भी आ गई है। इन सभी कंकालों में से दो औरतें हैं और तीन आदमी हैं। डीएनए रिपोर्ट से तो पता चलता है कि ये सारे के सारी लाशें एक ही परिवार वालों की है। ओहो, ये देखो, आयशा का डीएनए भी इन सभी लोगों के डीएनए से मैच होता है। सारे फेस फॉर्मेशंस। सर ये तो वही लोग हैं जिनकी मिसिंग रिपोर्ट है दुग्गर चोला में। मतलब सर किसी ने महारानी तिलोत्तमा जी के परिवार वालों को मारकर जला दिया। फिर तो ये केस सिर्फ आयशा का नहीं रह गया, बल्कि दुग्गर चोला में रह रही महारानी के पूरे परिवार की हत्या का केस है। हाँ सचिन, लगता है अब ये खूनी महारानी को मारने चला जाएगा। इस खूनी को पकड़ने का एक ही रास्ता है, हमें ये पता लगाना होगा कि एयरपोर्ट से निकलने के बाद आयशा कहाँ कहाँ गई। सर एयरपोर्ट से उतरने के बाद उसने टैक्सी वगैरह तो लिया ही होगा। हाँ, एयरपोर्ट से लेकर जंगल के बीच रास्ते में वो कहाँ कहाँ गई, किसके साथ गई और उसके साथ हुआ क्या। अपूर्वी, क्या आयशा को किसी ने किसी रेस्टोरेंट में देखा था? सर सिर्फ हमने ही नहीं, सबने ही देखा था। वो बहुत परेशान लग रही थी। परेशान लग रही थी आयशा? जी सर। क्यों? सर क्यों परेशान थी ये तो नहीं पता, मगर एक आदमी आया और आयशा को अपने साथ में लेकर चला गया। कौन था वो आदमी? आप में से किसी ने उसका चेहरा देखा? सर उसका चेहरा छुपा हुआ था रुमाल से और उसने चश्मे भी पहने हुए थे। ये सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए हैं ना यहाँ पे? हाँ सर, सीसीटीवी कैमरा तो है, लेकिन उसमें चेहरा दिखना मुश्किल है। वो हम लोग देख लेंगे। रेडी, चेक कर लो। यहाँ बैठी थी? जी सर। अभिजीत, पिन मारी है किसी ने, और ये देखो अभिजीत, किसी नोक को हाथ लगाया, ये कुछ हरा हरा सा कुछ केमिकल जैसे लग रहा है। अभिजीत, ये आयशा यहां बैठी थी, कहीं ये जहर तो नहीं? पिन पे लगा के आयशा को मारने की कोशिश की गई है। डायरेक्शन तो इधर से ही है सर, किसी ने पिन चलाई तो यहीं से। यहाँ आयशा के पीछे वाली टेबल पे कौन बैठा था? सर वहां तो कोई नहीं बैठा था, वो टेबल खाली थी। ओनली फर्स्ट स्टॉप, रेस्ट्रिक्टेड एरिया। किचन है सर? सर सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया सर, मैनेजर सच कह रहा है उस आदमी का चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा है। मैनेजर सर। जी सर। कल जब आयशा बैठी थी यहाँ इस कुर्सी पर, तब वहां किचन के पास कोई खड़ा था? सर मुझे कुछ याद नहीं। राकेश खड़ा था वहां पर। ये राकेश कहां पर है? सर आज सुबह उसके गांव से फोन आया था, उसकी फैमिली में कुछ दिक्कत है इसलिए वो गांव चला गया। कौन से गांव? जी डुगर चोला, यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। डुगर चोला? राकेश का मोबाइल नंबर?
और गांव का पता अभी चाहिए हमें। जी सर। चलिए। अभिजीत, दया को बोलो डुग्गर चोला जारी की तैयारी करे, और हम लोग महारानी तिलोत्तमा के पास जाते हैं। महारानी की जान को खतरा है। कहिए। महारानी तिलोत्तमा जी है? मैम अपने स्टडी रूम में है। बताइए सर, पर हुआ क्या है, इतनी अर्जेंसी भी क्या है सर? आयशा को जब गोली मारी गई थी, उसके पहले वो टिंका टीना रेस्टोरेंट में गई थी, वहां पे भी उस पर हमला हुआ था। हमला करने वाला महारानी की रियासत डुग्गर चोला का कोई आदमी है। महारानी से बात करनी, हो सकता है वही हो खानदानी दुश्मन उनका। ले इधर। मैम दरवाजा खोलिए, सीआईडी के ऑफिसर साहब से मिलने आए हैं। ये कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही? तिलोत्तमा जी, तिलोत्तमा जी, अरे सारा सामान बिखरा पड़ा है, तिलोत्तमा जी भी यहाँ नहीं है, क्या हुआ यहाँ पे? सब पता नहीं, महारानी जी तो बाहर आई ही नहीं। तो फिर वो गई कहाँ? इस कमरे में तीर चला है और इस पे खून भी लगा हुआ है। फिर खिड़की अंदर से बंद है और कमरे में एक ही दरवाजा है जहां पे ये लोग खड़े थे, तो ये हमलावर आया तो आया कहां से? वही तो, आया कहां से होगा? इसी दरवाजे से तिलोत्तमा को वो लेकर गया है। अभिजीत, देखते हैं ये चोर दरवाजा कहां तक जाता है। अभिजीत, गाड़ी के टायर के निशान यहाँ पर, गाड़ी थी शायद, गाड़ी में से लेकर गए होंगे उसे। निशान एकदम ताजा है अभी। ये माय गॉड, अरे उठाओ उठाओ इसे। देखो भैया क्या हुआ तुम्हें, किसने किया ये? मैं अपनी साइकिल से यहाँ से गुजर रहा था, तभी मैंने देखा कि एक अमीर से दिखने वाली औरत, उसको एक मास्क वाला और उसके साथी जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बंदूक से मार। इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं, आराम से आराम से। अच्छा भैया एक बात बताओ, गाड़ी तो देखी है ना तुमने, कुछ बता सकते हो उसके बारे में? हाँ साहब, वो लाल रंग की गाड़ी थी साहब, उसका नंबर था CV765WQ। वो भी देख लीजिए सर, मैंने तो पहले ही कहा था राकेश घर पे नहीं है, 3 महीने से मेरा भाड़ा नहीं दिया है सर उसने। सर सर मेरा सोना खरीदेंगे ना? अरे आपका सोना क्यों खरीदेंगे, राकेश को ढूंढने हम लोग यहाँ पे, वहां खड़े रहिए आप। पूरे घर को अच्छी तरह से चेक करो।
सर लगता है राकेश ने रेस्टोरेंट में झूठ बोला था, वो यहाँ पे आया ही नहीं है। चले सर, चलो चलते हैं। बोपरलाल जी चलिए आपकी सोने की दुकान देखते हैं। मैं तो पहले ही बोल रहा था मालिक, वो यहाँ नहीं है। आप अब मेरा सोना खरीदेंगे ना? थैंक गॉड बच गया। सीआईडी से अब तक ना तो कोई मुजरिम बचा है ना बचेगा। तो क्या बात? अरे 3 महीने से ढूंढ रहा हूं तुझे, ला मेरा किराए का पैसा दे, ला दे। एक सेकंड, आप रुक जाइए, किराया मिल जाएगा। सर 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 प्लीज प्लीज मुझे मत मारिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मैं आपको सब बताता हूँ, इनको बोलिए मुझे मत मारे सर। जल्दी बोल। सर मुझे आयशा पे जहरीली पिन चलाने को कहा गया था लेकिन मैं चूक गया। किसने पैसे दिए थे गोली चलाने? वो एक आदमी आता था सर, बड़ी सी गाड़ी में आता था और गोरा सा है, किसी महारानी के लिए काम करता है सर, और उसका नाम रणवीर है सर शायद। महारानी तिलोत्मा का मैनेजर रणवीर? हेलो, एक्सक्यूज मी, आप मुझे थोड़े समझदार लग रहे हैं। मेरा सोना खरीदेंगे ना आप? थैंक यू सर। एयरपोर्ट से ऑफिसर्स का फोन था, लैंड होते से ही आयशा टैक्सी लेकर सीधा डुग्गर चोला के लिए निकली थी। एक काम करो श्रेया, इस टैक्सी ड्राइवर को फोन करके बुलाओ। साहब मैंने मेम साहब को यहीं छोड़ा था यहाँ पर, और फिर वो अपना लगेज उठा के इस हवेली में चली गई, उसके बाद फिर मैं चला गया था। ठीक है तुम यहीं पे रुको। ये तो महारानी तिलोत्मा का खानदानी पैलेस है सर, ये जगह तो बिल्कुल उजाड़ लगती है, फिर अमेरिका की फ्लाइट से आयशा सीधा यहाँ पर क्यों आई हो? फ्लाइट से अगर सीधे यहाँ पर आई थी आयशा, कुछ तो बात जरूर रही होगी। चलो अंदर चल के देखते हैं। सर वैसे तो ये महारानी तिलोत्तमा की हवेली, पर यहाँ राज परिवार की एक भी तस्वीर नहीं है। हवेली में आई क्यों थी? शायद किसी को मिलने आई हो सकता है, तो देखो आसपास। कमरे के कबर्ड में से ये मिला है सर, ये देखिए जेवर हीरे, ये एंटीक चीजें, और ये एक फोटो भी है, पर बहुत बुरा हाल है सर। कोई बात नहीं श्रेया, ये फोटो तो साफ हो जाएगी, पहले इस रणवीर को ढूंढ के उसका मुंह खुलवाते हैं। सर स्विट्जरलैंड से ये एनवेलप आया सर, जिसमें लिखा है कि हरप्रीत जोंगारा की सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है और उसकी प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ जारी है, और इसमें से एक प्रॉपर्टी डॉली डोंगारा के नाम पे है सर, जिसकी छानबीन करने पे वहां से उन्हें एक कंकाल मिला है जो उन्होंने हमारे लिए भेजा है। कंकाल हरप्रीत की बीवी के घर में? लेकर आओ वो कंकाल। ये देखो कंकाल के बारे में, ये कंकाल एक औरत का है, ये औरत इंडियन मूल से थी ही, मौत सर के पीछे चोट लगने से हुई है। कंकाल कम से कम 5-6 सालों से दीवार में चुनवाया गया था, कंकाल के साथ और भी सामान भेजा है,
important evidence for case number 67VX2A. सर ये चिन्ह तो डुगर चोला रियासत का राज चिन्ह है, मैंने इसे फोटो पे देखा था। ये अंगूठी स्विट्जरलैंड की दीवार पे क्या कर रही थी? सर आखिर ये कंकाल है किसका? तरीका ये चेहरा बनना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये कंकाल हमें हरप्रीत डोंगरा के घर में से मिला है। सर उस डुगर चोला रॉयल फैमिली की कटी फटी फोटो बन गई है, ये देखिए। ये फोटो तो 1990 की है, 26 साल पुरानी फोटो है। अभिजीत कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की इसी खानदान की हो? तो यहाँ लेफ्ट टू राइट नाम लिखे, राजकुमारी रुतस्व, राजकुमारी अदाशी, राजकुमार गौतम, राजकुमारी तिलोत्तमा। तिलोत्तमा इस फोटो में तो 17-18 साल की बच्ची लग रही है। सर यह है उस लड़की का चेहरा जिसका स्केलेटन अभी आपने भेजा था। सर ये तो 42-44 साल के आसपास लग रही। 26-18। तारिका जरा राजकुमारी तिलोत्तमा की फोटो स्कैन करो और उसकी उम्र बढ़ाओ 26 साल, देखें कैसी दिखती है वो। माय गॉड, तो ये महारानी तिलोत्तमा। तो वो औरत कौन है जिसे अभी तक हम लोग महारानी तिलोत्तमा समझ रहे हैं? सर रणवीर जी बड़ी मुश्किल से हाथ लगाए सर, वो गाड़ी भी मिल गई है जिसमें से ये महारानी को लेकर गया था। अच्छा रणवीर जी, हमें मालूम है कि ना वो असली महारानी तिलोत्तमा है और ना ही तुम मैनेजर। अब सच सच बताओ, सच सच बताओ, कौन है वो औरत जिसे तुमने किडनैप किया है? अगर आपको मैं सच बताऊंगा तो यकीन करेंगे? और कितनी देर लगेगी पहुंचने में? यहां से घंटे भर का रास्ता और है। आप परेशान मत होइए महारानी जी, आप जो चाहती हैं वही होगा। जल्दी करो जल्दी। अरे यार महारानी टोली, चलिए हमारे साथ। जिस चीज को इतनी हिफाजत से अपने साथ लिए जा रही हैं आप, हमारे बॉस कटोरी को चाहिए। चलो। अगर हम तुम्हारे साथ ना चले तो बोल बोल। डॉली बोलने पे विश्वास नहीं रखती, करने पे रखती। कैसा लगा मेरा निशाना? मस्त ना, एकदम परफेक्ट। देख बंदूक पीछे कर, डॉली मार दूंगा। हाफिज की बीवी हूँ, अब ये ले डॉली का स्टैंड। अब चल उठ और ये जाके अपने बॉस कटोरी रमता को दिखाना, ताकि अगली बार मुझे लेके जाने के लिए तो जैसे लोगों को भेजने की गलती ना करे। चल निकल निकल। वाह वाह, नकली महारानी तिलोत्तमा जी उर्फ डॉली, तुम्हारा खेल खत्म। हमें पता चल चुका है कि
ऐशा को तुम नहीं मारा है। कमाल है, तुम सीआईडी वालों को सबकी असलियत इतनी जल्दी कैसे पता चल जाती है? हमें ये भी पता है कि वो ट्रिगर केस तुम्हारे पास है। चलो अब तुम्हें पता चल ही गया है तो सुन, आयशा को भी मेरी असलियत पता चल गई थी कि मैं महारानी नहीं हूँ, पर सबके सामने जाके मेरा भांडा फोड़ने वाली थी। ऊपर से वो चोंच का बच्चा मेरे लिए काम करता था और मुझे ही कह रहा था मैसिम की जान मत लो। नॉनसेंस, आयशा को मैंने किसी और की मदद से मारा, लेकिन चोंच बच गया क्योंकि कटोरी उसे उठा कर लेकर गया। लो, कर दिया मैंने अपना जुर्म कबूल। डॉली, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अच्छा, अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूं? डॉली, इन गीदर धमकियों से नहीं डरने वाली। ये देखो क्या है, क्या है? करेक्ट, ट्रिगर बॉम्ब्स। इस शहर में 12 बॉम्ब्स लगाए हैं हमने। अगर किसी ने मुझे पकड़ने की, क्या मेरे पास भी आने की कोशिश की ना, तो पूरे शहर को एक सेकंड में खाक कर दूंगी। देखो डॉली, कोई बेवकूफी मत करना, चुपचाप इसे हमारे हवाले कर लाओ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.